अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है अपने जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे अपने नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसको आपको गैस करना है, ठीक है। आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा, हम जो है डायरेक्ट जो है यही नीचे वाले पोर्शन में से पढ़ लेंगे, ओके। Do you feel excited when your school team is about to win? ठीक है, क्या आप उस टाइम पे एक्साइटेड होते हो जब कभी आपके स्कूल किसी कंपटीशन के लिए गया है, ठीक है, और आपके टीम जीतने ही वाला है, तब आप बहुत खुश होते हो, ठीक है। When we feel excited or nervous, जब हम फील करते हैं कुछ अच्छा फील करते हैं या नर्वस फील करते हैं, ठीक है, आवर बॉडी बिकम टेंस, हमारे बॉडी बहुत जो है टेंस हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव, क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो रहा है, ओवर एक्टिव, बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो रहा है। द ब्रेन द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और नर्व्स है, ठीक है, वो सब हमारे किस चीज़ को फॉर्म करते हैं, नर्वस सिस्टम को। आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला द ब्रेन, द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ब्रेन है उसे जो है कंट्रोल सेंटर कहा जाता है ह्यूमन बॉडी के। इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट थ्रू डिफरेंट नर्व्स, ये जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमारे बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स है, ठीक है, वहाँ से। एंड एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वाई अबाउट 1.4 kg एंड कंटेन मिलियंस ऑफ टिनी सेल्स, हमारे जो एडल्ट ह्यूमन होता है उनके ब्रेन का जो वाइट होता है वो 1.4 kg होता है और उनके अंदर बहुत सारे टिनी सेल्स प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई हार्ट बुनी स्कल, ये जो है प्रोटेक्ट किया होता है हार्ट बुनी स्कल से, जो है इस ब्रेन को कवर्ड होता है। हमने जो है पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को क्या करता है, डिलिकेट ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड ऑल्सो द इन साइड ऑफ द ब्रेन इज फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड विच सर्व्स एज अ कुशन अगेंस्ट जैक एंड इंजरीज, ठीक है। जो हमारे स्पेस है स्कल और ब्रेन्स के बीच में, ठीक है, एंड ऑल्सो द इन साइड ऑफ द ब्रेन, और या हमारे ब्रेन के नीचे वाले जो पोर्शंस है, ठीक है, वो फिल्ट है, एक क्लियर फ्लूट, एक फ्लूट है जिससे वो क्या हुआ है, फिल्ट है, ठीक है, कैविटी नहीं है, ठीक है। जो सर्व करता है, जो किस तरह हम चलाता है, जो कशंस जर्क्स होता है या इंजरीज लगता है, ठीक है, उसके अगेन जो कशन होता है वो क्या करता है, वो उसे सर्व करता है, ठीक है। आगे पूछाते हैं, आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 different parts, हमारे ब्रेन जो है 3 parts से बना है, ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू, हर पार्ट को जो है अपना अपना काम होता है। देखिए, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको ये नर्व ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डायग्राम क्या करना है, अपने कॉपीज पे बनाना भी है, ठीक है। तो ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन देखिए, स्कल, सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेडुला, ये 3 पार्ट से बना होता है, और इसको जो है आपको अपने कॉपी पे लिखना भी है, ठीक है। देखिए, ये रहा ह्यूमन ब्रेन, इसको अपने कॉपी पे अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड इज द सेरेब्रम, जो हमारे सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम, जो आपको व्हाइट कलर में ऊपर दिखाया है। इट्स डोम शेप सरफेस इज कवर्ड विद डीप रिच एंड ग्रूव्स, ठीक है, इसकी जो डोम शेप जो सरफेस है, ठीक है, इस तरह का जो शेप है डोम शेप, ठीक है, जो सरफेस है वो कवर्ड किया होता है बहुत सारे रिच या ग्रूव्स से, ठीक है, इनको क्या किया होता है, कवर्ड किया होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आइस, ये जो है हमारे जो आइस है, ईयर्स है, नोज, टंग, ठीक है, इन सारे कामों को जो है वो क्या करता है, अंजाम देता है या कंट्रोल करके वही हमारे इन चीज़ों के मूवमेंट करवाते हैं। इट आल्सो कंट्रोल आवर वॉइस, ये हमारे वॉइस को भी क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो इनको जो है इंटेलिजेंस का सबसे सेंटर वाला पार्ट कहा जाता है, ठीक है। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे जो रिमेंबर यानी क्या होता है, लर्न क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना बंद कीजिए, यानी यहाँ से सुनना बंद कीजिए और अपने आप से पता करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर एक क्या आ जाता है, यानी आपको खुद एक हैबिट बन जाता है वर्ड्स को ढूंढने में, ठीक है, ढूंढने का, ठीक है। रिमेंबर एंड रिकॉल बिकॉज ऑफ द सेरेब्रम, हम इन सारी चीज़ों को कर सकता है इसी सेरेब्रम के मदद से, ठीक है।
बिलो द सेरेब्रम इज द सेरेब्लम, जो सेरेब्रम है उसके जस्ट नीचे जो है क्या होता है हमारा सेरेब्लम होता है, जो आपको एक लीफ शेपेड वहाँ पे दिखाया हुआ है। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर। ये क्या करते हैं हमारे मसल्स के एक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट करके ये करवाते हैं और इनको जो है साथ में काम करवाते हैं, वर्क टुगेदर, ठीक है। इट हेल्प अस टू बैलेंस अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में भी मदद करता है। एंड कीप अस इन एन अपराइट पोस्चर, और हमारे बॉडी को जो है एक अपराइट पोस्चर ये क्या करता है मेंटेन यानी देता है, ठीक है। इफ़ द सेरेब्लम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर हमारे सेरेब्लम ने जो है फंक्शन करना बंद कर दिया प्रॉपरली, अवर बॉडी मूवमेंट बिकम जकी, हमारा बॉडी मूवमेंट थोड़ा जकी यानी जक जो हम मारते हैं, ठीक है, कुछ अजीब सा होगा, ठीक है। बीनीथ द सेरेब्लम लाइज द बल्ब शेपिड मेड्यूला, इसी के जस्ट नीचे एक आपको बल्ब शेपिड दिखाया हुआ है वहाँ पे, उसको नाम होता है मेड्यूला। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, ये ब्रेन से डायरेक्ट स्पाइनल कोड तक क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस है उनको क्या करता है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है द मेड्यूला, सॉरी एक्शन लाइक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन से लाइक हमारे लंग्स की जो मूवमेंट है या हार्ट की मूवमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। द मेड्यूला इज एक्टिव एवन वेन वी स्लीप, ये मेड्यूला एक्टिव रहता है जब हम सोते हैं तब भी ये क्या रहता है एक्टिव रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द ब्रेन नीड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी होता है, ठीक है। अ पर्सन फेंट्स इफ हिज हार्ट इज़ नॉट एबल टू सेंड इनफ ब्लड टू हिज ब्रेन, अगर वो पर्सन फेंट हो जाता है या वो कुछ उसको अंदर बहुत सारा डिजेबिलिटी क्रिएट होता है जब वो प्रॉपरली अपने हार्ट से जो है ब्रेन की तरफ जो है ब्लड भेजना बंद करता है तब उसके अंदर बहुत बड़ा एक डिजेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। वी मस्ट गेट एनफ स्लीप टू रेस्ट आवर ब्रेन, हमें जो है क्या करना चाहिए अपने ब्रेन्स को भी रेस्टिंग स्टेज में जो है रखना चाहिए ताकि उससे जो है स्लीप करते वक्त अच्छे से प्रॉपरली रेस्ट मिल सके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कोड, द स्पाइनल कोड एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन और मेड्यूला टू ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, जो स्पाइनल कोड होता है वो एक्सटेंड होता है कहाँ से हमारे ब्रेन के जो मेड्यूला वाले पोर्शन है वहाँ से ऑलमोस्ट कहाँ तक जो हमारे बैकबोन के लोअर एंड है जो वर्टिब्रे लोअर वर्टिब्रे है वहाँ तक एक्सटेंड होता है। इट इज़ इंक्लोज्ड इन साइड ए टफ बुनी बट फ्लैक्सीबल स्पाइन, ये जो है इंक्लोज होता है कहाँ किसके अंदर टफ यानी एक बूनी स्ट्रक्चर यानी ठीक है बट फ्लेक्सिबल, लेकिन वो स्पाइन जो होता है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर वो फ्लेक्सिबल भी होता है। इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स, नर्व्स ये कनेक्ट होता है बॉडी से ब्रेन जो है की तरफ कनेक्ट होता है किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू ही ये क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नर्व्स, नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, नर्व्स एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे ब्रेन से जो है हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट होता है वहाँ से ब्रेन को मैसेज कैरी करने में क्या करता है हेल्प करता है, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट देखिए, नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली, जो नर्व्स होता है वो फ्रॉम द रीजन ऑफ हेड जो हेड के रीजन है और या एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली, और जो नेक है वो ब्रेन ब्रेन को डायरेक्टली वहाँ तक क्या करते हैं उसको ज्वाइन करवाते हैं। हाउएवर नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो नर्व्स है या हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट से ज्वाइन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हर स्पाइनल कॉर्ड के साइड से क्या करते हैं वो उसको ज्वाइन करते हैं। ओके द स्पाइनल कोड लीड टू द ब्रेन, या जो स्पाइनल कोड है वो ब्रेन की तरह ब्रेन क्या करता है लीड करता है ब्रेन को, ठीक है। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल, जो नर्व्स होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे नर्व सेल बन सेल मिलकर जो है एक नर्व्स वहाँ पे बनाते हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ देयर आर थ्री काइंड ऑफ नर्व, तीन टाइप के जो है नर्व्स प्रेजेंट है, क्या क्या है देखिए, द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व, वो नर्व जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से मैसेज पहुँचाता है हमारे ब्रेन को या हमारा और जो स्पाइनल कोड है वहाँ से, ठीक है, वहाँ तक उनको जो है सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। द नर्व विच कैरी ऑर्डर्स, और वो नर्व जो ऑर्डर्स को सिर्फ क्या करता है हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल और ग्लैंड्स इनकी तरफ, तो उन्हें क्या कहा जाता है मोटर नर्व्स कहा जाता है। इसी तरह द नर्व्स विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड मिक्स नर्व, ठीक है, वो नर्व जो हमारे बहुत जो ऑर्डर या दूसरे चीज़ है ठीक है उनको जो है यानी पहुंचाते हैं उनको क्या कहा जाता है मिक्स नर्व कहा जाता है, ठीक है।
तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर रखेंगे। और आप लोगों को लास्ट में ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मसल, ठीक है, ये सारा भी आपको क्या करना है, बनाना है अपने कॉपीज़ पे, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम नर्वस सिस्टम के जो बीच में से हमने जो रखा है वहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए